अभी तक हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सिंपल देखी है, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे इफ एल्स इफ लैडर की। इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है? इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं अपने डिसीजन को फाइनल करने के लिए या अपनी लॉजिक लिखने के। अब करते हम क्या है कि हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ। टॉप से बॉटम की तरफ कंडीशंस चेक करते आते हैं, यानी हायर पहले, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। तो उसमें जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलती है तो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं अपनी एक्चुअल जो स्टेटमेंट है, और अदरवाइज हम अगली कंडीशन चेक करने जाते हैं, ठीक है। जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी हम उसको ओके कर देते हैं, हम अपना काम करते हैं। कंडीशन ट्रू है तो जो आप करना चाहते हैं वो आप स्टेटमेंट लिखें, अदरवाइज अगली कंडीशन चेक करें। तो ये कहलाती है इफ एल्स इफ लैडर। इन प्रोग्रामिंग इफ एल्स इफ लैडर हेल्प्स यूजर डिसाइड फ्रॉम अमंग मल्टीपल ऑप्शंस। द इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। एज सून एज वन ऑफ द कंडीशन कंट्रोलिंग द इफ इज ट्रू, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द एल्स इफ लैडर इज बाईपास। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फाइनल एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, क्या होता है जब आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एक लास्ट पे इफ बचा होता है, एल्स बचा होता है आखिरी वाला, वो एग्जीक्यूट होता है। देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। कंडीशन होगी, अगर ट्रू है तो जो आपने काम करना है वो आप वो काम जो है ना आप परफॉर्म कर सकते हैं, वट एवर, कुछ प्रिंट करना है या कुछ भी आपने करना है, दैट यू कैन डू इट। अदरवाइज वो अगली कंडीशन चेक करने जाएगा। अगली कंडीशन ट्रू हुई है तो वो काम एग्जीक्यूट कर देगा, वरना अगली कंडीशन चेक करता है। और करते करते एट द एंड ये होता है कि कंडीशन ट्रू हुई है तो ये स्टेटमेंट, वरना ये स्टेटमेंट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड इफ नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो इस केस में क्या होगा, हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या नंबर, पहले तो बात है कैसे होता है नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या कहते हैं हम उसको, ये नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर लेस देन जीरो हो तो हम क्या कहते हैं, ये नंबर हमारा नेगेटिव है, अदरवाइज क्या होगा, जीरो है। तो इसको कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कंडीशन आएगी इफ कोई भी जो नंबर है एन ग्रेटर देन जीरो तो ट्रू हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी ये पॉजिटिव है। एल्स हम चेक करेंगे, एन लेस देन जीरो ट्रू हो जाता तो हम कहेंगे नेगेटिव है, वरना हमारी यहीं पे अगली कंडीशन चेक नहीं होगी, आखिरी स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगी फॉल्स, सॉरी जीरो। इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हम, लेट्स सी दिस। एक नंबर है, हम कहते हैं जी नंबर इंट, नंबर इज इक्वल्स टू एनी नंबर जो भी होगा, अभी हम इसको इनपुट लेते हैं, चले इसको हम इनपुट करते हैं, सी इन सी आउट। हम कहते हैं प्रिंट करें, क्या आएगा यहाँ पे, एंटर नंबर, कोई भी नंबर इनपुट करें, फिर हम कहेंगे जी सी इन नंबर, राइट। अब यहाँ पे हमने चेक करना है अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करें, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो सी आउट, यहाँ पे लिखे यू एंटर्ड, यू एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सेमी कॉलन। एल्स इफ ये लेटर आ गया, एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ नंबर लेस देन जीरो तो क्या कहे, सी आउट, सी आउट यू एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई। अब आखिरी कंडीशन क्या है, यानी अब कुछ भी नहीं बचा अब इसमें, वरना एल्स हम ये कहेंगे सी आउट नंबर यू एंटर्ड इज जीरो। इसको अब हम रन करके चेक करते हैं। व्हाट आई डिड रॉन्ग,
ये हमेशा एक ना एक ना ऐसी मिस्टेक हो जाती है। सी आउट। ओके जी एंटर नंबर, आई एम जस्ट एंटरिंग, यू एंटर पॉजिटिव नंबर, फिर मैं चेक करता हूँ। ओह शिट, एक तो ये एक्चुअली क्लिक की मिस्टेक है मेरी। ये नेक्स्ट नंबर मैं एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ जी -8, तो कहता हूँ यू एंटर नेगेटिव नंबर, एंड लास्ट टाइम आई एंटर 0, नंबर यू एंटर इज 0। ठीक है जी, ये समझ आ गई इस बात की। इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, एक कंडीशन हम टॉप से बॉटम चेक करते आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो कंडीशन ट्रू होती जाएगी उसको हम अपना काम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अदरवाइज क्या करेंगे, फॉल्स में जाके अगली कंडीशन चेक करेंगे। इसकी अभी एक और थोड़ी सी लंबी एग्जाम्पल है, वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जो अक्सर अगर आप एक्सेल भी पढ़ रहे हो तो तब भी वो आपको दिया जाता है कि एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें, तो उसमें बताएं कि जी इसके मार्क्स ग्रेड ए है, बी है, सी है, वॉट एवर। तो ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि किस तरह ये काम करता है। इसको दोबारा देखते हैं, क्या करते हैं जी इसमें, इस पर काम ये होता है कि आपकी कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप अपना जो भी आपने स्टेटमेंट सी आउट करवाना, कोई भी काम करवाना, वो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है। वो ट्रू हो जाए तो फिर वो ये बात करता है जी इसको अपना जो भी आपने प्रिंट करना है वो करें, वरना नेक्स्ट कंडीशन। इस तरह ये चलता जाता है जब तक आपके तमाम कंडीशंस जो है ना वो पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लिप में हम एक छोटी सी असाइनमेंट देखेंगे, तो वहाँ से आपको फर्दर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।